हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ समय पहले ही कमीशन किया है और इसी को लेकर चाइना की सिंगहुआ यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी के सीनियर फेलो जो बो ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसे सुनकर इंडिया बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया और चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं, इसी को लेकर अब जो बो ने ये कहा है कि हिमालयन कॉन्फ्लिक्ट को आने वाले समय में सुलझाया नहीं जा सकता और इंडिया को इसी बात को लेकर इंडियन ओशन में चाइना को एज अ थ्रेट देखना बंद करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया को ये समझना होगा कि चाइनीज नेवल एक्टिविटी इंडियन ओशन में अब बढ़ती ही रहेगी, वो किसी भी तरह से कम नहीं की जा सकती और इंडियन ओशन में चाइना के बढ़ते इंटरेस्ट को बचाने के लिए और साथ ही इस रीजन की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक सी लेन को मेंटेन करने के लिए चाइनीज नेवी को अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन में और मजबूत करनी होगी। जो बो ने इवन ये भी कहा कि कुछ ही समय की बात है और चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और अगर इंडिया इंडियन ओशन को ग्रेट ओशन ऑफ हिंदूज या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखता है तो इंडिया और चाइना के बीच में वायलेंस या फ्रिक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम चाइना द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को देखें तो वो अपनी नेशनल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के इस तरह के स्टेटमेंट को देकर अमेरिकन नेवी की तरह एयरक्राफ्ट कैरियर को वर्ल्ड हीगेमनी अचीव करने के लिए डिप्लॉय करता ही रहेगा। वही इसी लाइंस पर अगर हम इंडिया का परसेप्शन देखें तो इंडिया के लिए चाइना हमेशा से ही टेंशन बनता ही रहेगा और इंडिया बार बार इंडियन ओशन रीजन में चाइना के डोमिनेंस को रिफ्यूज करता ही रहेगा। वही अगर हम देखें तो चाइना का प्लान इंडिया को डराना या धमकाना नहीं है बल्कि वो डायरेक्टली यूएस नेवी को चैलेंज करना चाहता है और उसका रीजन हम जान चुके हैं कि हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को सीधी तरह से सपोर्ट करके चाइना की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर लिया है और अब चाइना किसी भी तरह से अमेरिका को वर्ल्ड पावर कंट्री बनने नहीं देने वाला। साथ ही अगर हम पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी नेवी के कोर जोन्स की बात करें तो वो खुद को वेस्टर्न पैसिफिक और नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में एक्सपैंड करना चाहती है जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। दोस्तों, इस बारे में आपकी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।